नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं 75 साल बनाम मोदी सरकार कैसा रहा और संसद में अंतिम बजट सत्र में क्या क्या बातें हुई। आपका रिपोर्ट कार्ड ये है, 75 साल में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, 75 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, 75 साल में गरीब और अमीर में अंतर इतना नहीं बढ़ा जितना आपकी सरकार में, 75 साल में किसान इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, 75 साल में देश भी इतना कर्जवान नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में, 75 साल में कॉर्पोरेट्स की कर्जा माफी भी उतनी नहीं हुई जितना आपकी सरकार में, 75 साल में बेरोजगारी भी उतनी नहीं बढ़ी जितना आपकी सरकार में, 75 साल में इतने अरबपति भी नहीं हुए हिंदुस्तान में। इस देश की फौज पे हमें गर्व था, इस देश की फौज जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करे 71 के युद्ध में, जिसने कारगिल में पाकिस्तान को झुकाया, आमदनी दुगनी करने की बात थी, यहाँ कर्जा दुगना हो गया किसान पे। आज देश का किसान पे 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23 लाख करोड़, तो सरकार जवान की है ना किसान की है ना नौजवान की है ना संविधान की है, ये सरकार केवल धनवान की है। एक उद्घोष उस उद्घोष को झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय संविधान।